महत्वपूर्ण दिन क्योंकि आज से संसद में मोदी सरकार के खिलाफ जो पेश है अविश्वास प्रस्ताव उस पर बहस शुरू होगी। विपक्ष अपनी बात रखेगा और क्या रणनीति रहने वाली है इस दौरान पक्ष विपक्ष की तमाम जिक्र करने के लिए तमाम बातों का जिक्र करने के लिए हमारे साथ गेस्ट इस वक्त मौजूद है अनुराग भदौरिया और संजीव झा भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आपने सुना अर्जुन राम मेघवाल को संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया, एक नया नाम भी यहाँ पर दे दिया है घमंडिया गठबंधन, और ये भी कह दिया है कि कल फाइनल था जिसकी मांग आप लोग कर रहे थे और नतीजा सबके सामने है कि क्या होने वाला है, टेस्ट के लिए भी हम लोग तैयार हैं। इसको कहते हैं भाजपा की घमंडिया सोच, ये बीजेपी की घमंडिया सोच है, इसलिए हर आदमी उनको घमंडिया नजर आ रहा है। सवाल यह है कि आपके पास मुद्दे ही खत्म हो गए, जनता की जिन मुद्दों पर चर्चा करते थे, जो जनता के असली मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, उस पर बोलने को नहीं तैयार हो रहे। कमाल की बात है। मुद्दे तो क्या है देश के सामने, मुद्दे क्या है? लोग आज बेरोजगारी से परेशान है, इसके बारे में तो बीजेपी क्यों नहीं बात करना चाहती? भाई इसी को तो बोल के सरकार में आई थी, ये बोल के सरकार में आई थी सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, 1150 रुपए का बिक रहा है, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा जो आज 100 के पार चला गया, टमाटर तो आप देख ही रहे हो कैसी आग लगी हुई है। अब दिक्कत है कि बीजेपी के नेता कई बार कह देते हैं कि प्याज महंगा होता तो कहते प्याज नहीं खाते, अब टमाटर महंगा होगा तो कहीं ना कहते हम टमाटर नहीं खाते, तो इनके खाने नहीं खाने से जनता की बात तो नहीं होगी ना, ये जनता की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आरपी सिंह जी, आपने सुना अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि घमंडिया गठबंधन नहीं, दरअसल असल मुद्दों पर सरकार बात नहीं करती इसलिए सरकार घमंडिया है। आरपी सिंह जी, दो सेकेंड, और जिस परिवारवाद की और भ्रष्टाचार की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है वो अपने बारे में बता रही है। आप भ्रष्टाचार और परिवारवाद आज भारतीय जनता पार्टी में है, तो जो लोग जैसा करते हैं वैसा ही बोलते हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं। अगर उनको पीडीपी के साथ सरकार बनानी थी तो साथ चले गए कश्मीर में, उनको सरकार हरियाणा बनानी थी तब चौटाला फैमिली नहीं दिखाई पड़ती। रिएक्शन, आपकी ही बात का जवाब, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह जी से। आरपी सिंह जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात, परिवारवाद की बात पीएम कर रहे हैं, लेकिन वो तो उल्टा आपकी ही पार्टी में देखने को मिलता है। देखिए, पहले हम घमंडिया की बात कर लें, फिर मैं बाकी चर्चा कर लूंगा। अभी राहुल गांधी के विरोध में जब फैसला आया था कोर्ट का, तो क्या कहा था प्रमोद तिवारी जी ने कि गांधी परिवार के सदस्य के ऊपर कोर्ट ने इस प्रकार का फैसला कैसे दे दिया, ये है घमंड, ये है परिवारवाद का घमंड असल में। और ये नहीं कि यही दिखता है, अभी इनके एक और नेता है श्रीमान केजरीवाल साहब, वो सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं हम हैं दिल्ली के मालिक, छाती पीट पीट कर कहते हैं हम हैं दिल्ली के मालिक, ये है घमंड असल में। ये जो दिमाग में है कि हम चलाएंगे, हमारे हिसाब से चलेगा, हम जो कहें वो ठीक है, माय वे या हाईवे का जो पॉलिसी है, असल में घमंड हुआ है। हाँ, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, माँ बेटा दोनों बेल पर है, केजरीवाल साहब के दोनों मंत्री जेल में है। लेकिन आरपी सिंह जी, ये बात कांग्रेस की हो गई, लेकिन जब पक्षिया घमंडिया विपक्ष की बात हो रही तो सारे दल आ रहे हैं, उस पर आपत्ति अनुराग जी की थी, इस पर भी आएंगे, आप सभी मेहमानों के पास आएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।